हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर देवी देवता की पूजा करने के बाद परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। इसी तरह घर में सुख शांति बनी रहने के लिए नवग्रह की पूजा की जाती है। इसके साथ ही जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की कितनी परिक्रमा करना शुभ बताया गया है। वहीं ज्योतिष आचार्य के अनुसार बताया गया कि हिंदू धर्म में देवी देवता के साथ नवग्रह की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का बड़ा ही खास महत्व बताया गया है। तो आइए ज्योतिष आचार्य से जानते हैं कि किस ग्रह की कितनी परिक्रमा करना शुभ माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की और सूर्यादि नवग्रहों की परंपरा की परिक्रमा की परंपरा है, विधान है, शास्त्रोक्त इसका प्रमाण है। परिक्रमा लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। देवताओं के परिक्रमा लगाने से संकटों से निवृत्ति होती है। श्रद्धा भाव से देवता के विग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाना, चारों ओर घूमना, चारों ओर चलना ही परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहलाती है। प्रगतम दक्षिण मिति प्रदक्षिणायाम, अर्थात अपने दाहिने हाथ की ओर देवता के विग्रह को करके उस देवता के विग्रह के चारों ओर गति करना, यह परिक्रमा कहलाता है। यह परिक्रमा की दिशा है, अर्थात हमारे दाहिनी ओर हमको भ्रमण करना चाहिए यदि हम किसी देवता की परिक्रमा लगा रहे हैं। शब्द कल्पद्रुम नाम के ग्रंथ में लिखा है कि देवता को उद्देश्य करके और उस देवता के दक्षिणावर्त भ्रमण करना ही परिक्रमा है। और कर्मलोचन नाम के ग्रंथ में लिखा है, एका चंडिया रवे सप्त तिश्र विनायके हरे चतस्र कर्तव्या शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा, दुर्गा की एक, सूर्य की सात, गणेश जी की तीन और विष्णु की चार और शिव जी की आधी परिक्रमा लगाना चाहिए। यज्ञशाला यज्ञ नारायण भगवान की 108 परिक्रमा लगा सकते हैं और उसके साथ ही साथ हनुमान जी महाराज की भी हम 108 परिक्रमा लगा सकते हैं, जिससे हमको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब हम नवग्रहों की बात करें। नवग्रहों की परिक्रमा यदि हम करते हैं तो सूर्य की हमको 7 परिक्रमा, जैसा अभी श्लोक में आपने सुना, तो सूर्य की 7 परिक्रमा का विधान है, चंद्र की 5, मंगल की 12, बुध की 6, गुरु की 4, शुक्र की 3, शनि की 11, राहु की 4 परिक्रमा, केतु की 2 परिक्रमा हमको लगाना चाहिए। अब इन नवग्रहों की हम जो परिक्रमा लगा रहे हैं उसका क्या फल होता है? तो नवग्रहों की परिक्रमा लगाएं या देवताओं की हम परिक्रमा लगाएं, प्रदक्षिणा करें, हमारे पाप क्षय होते हैं, पुण्यों की प्राप्ति होती है, बड़े बड़े संकट दूर होते हैं, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है और नवग्रह द्वारा जनित जितने भी उपद्रव हैं, जितने नवग्रहों के द्वारा जो हमको संकट दिए जाते हैं, उन सभी संकटों से हमको निवृत्ति, उन नवग्रहों के द्वारा हमको शुभ फल की प्राप्ति होती है यदि हम परिक्रमा लगाते हैं। और परिक्रमा लगाने से सुख शांति समृद्धि लाभादि की प्राप्ति होती है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वानि निश्चन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। परिक्रमा लगाने से जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हो गए हैं वह सारे पाप दूर होते हैं। परिक्रमा के द्वारा हर पग पर जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो एक एक कदम जब हम चलते हैं हर पग पर हमको पुण्य की प्राप्ति होती है और सद्बुद्धि की हमको प्राप्ति होती है।